फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं ओर्चिड फोर्ड शोरूम NH58 परतापुर बाईपास मेरठ। नमस्कार, मैं तनु शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट। आइए नजर डालते हैं एक बड़ी खबर की ओर। मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर के नेहरू नगर का है, जहां सभासद जितेंद्र यादव अपने आवास पर पत्नी अर्चना, 4 वर्षीय बेटी अक्षता व 1.5 साल का बेटा हनु के साथ रहते थे। साथ ही उनके मकान में कोतवाली में तैनात महिला सिपाही उषा अपने पति अवनीश के साथ किराए पर रहती हैं। और रविवार को यहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी आवाज और चीख सुनकर वहां के लोग अभी तक उभर नहीं पाए हैं। उस वक्त हुई घटना को भुलाए भूला नहीं जा रहा। पूरे कानपुर देहात में गम का माहौल है। दरअसल रविवार रात को जब मकान मालकिन अर्चना किचन में खाना बना रही थी, तभी अवनीश ने अचानक आकर उनके बच्चों और उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। तभी तीनों की चीख पुकार मची तो दूसरे कमरे से जितेंद्र व आसपास के लोग भी उनके घर पर एकत्र हो गए। आनन फानन में उन पर कंबल डालकर आग बुझाई गई और स्थानीय लोगों और पुलिस द्वारा तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह तीनों ही आग में इतनी बुरी तरह से झुलस गए थे कि डॉक्टर तक उन्हें बचा नहीं पाए और इन तीनों की आज मौत हो गई। वहीं जब देर रात को SP केशव कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और जितेंद्र से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि आरोपित कई दिन से मानसिक तनाव में था, लेकिन पता नहीं था कि वह इस तरह का कदम उठा देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल फर्स्ट बाइट के साथ।